नमस्कार दोस्तों, इन्फीबीम के शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 1% के क्लियर आपको गिरावट नजर आ रहे हैं। तो उसी के साथ देखेंगे एक रेड कैंडल बन रहा है और पिछले कई दिनों से लगातार डोजी डोजी कैंडल बनता हुआ देखने को मिल रहा है पिछले 4-5 दिन से। अब सवाल आ रहा है क्या स्टॉक में यहाँ पर तेजी आएगा या गिरावट आएगा, तो अगर ऊपर बढ़ेगा क्या टारगेट रहेगा, नीचे जाएगा तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा। सभी कंडीशन को आज हम इस वीडियो में क्लियरली समझने वाले हैं, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखिए। तो नोटिस कर सकते इन्फीबीम शेयर जैसे कि यहाँ पे देख रहे थे, स्टॉक जब यहाँ पे हायर है बनाए कर ऊपर बढ़ रहा था, तो यहाँ पर एक हाई लगा था देख सकते हो आपके सामने 29.29 रुपये को। देन 29 रुपये को ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक ने हाई लगा 42.17 रुपया में, राइट। तो अभी कंडीशन के हिसाब से एक और सपोर्ट लेवल भी आपके सामने है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर 26.50 रुपये के पास में। थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ डेली टाइम पर। जब हम डेली टाइम पर चार्ट को नोटिस करें तो देख सकते हो स्टॉक यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहे हैं और बार बार अपना ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस बना के नीचे आ रहा है। जब इसको ब्रेकडाउन करेगा यानी कि जो यहाँ पर 26.50 रुपये का जो लेवल है, जब इसको ब्रेकडाउन करेगा तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपको दिखाई देगा 26 रुपये में, राइट। देन जब इसको अगर ब्रेकडाउन कर देगा तो फिर रहेगा 20 रुपये में। सो दोस्तों, इसी तरह अगर यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट लेकर ऊपर बढ़ता है और आपको यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लेवल दिखाई देगा 34 रुपये का दिखाई देगा जो इसका टारगेट रहेगा, जब इसको ब्रेकआउट कर देगा यानी कि 34 रुपये को ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉक हाई लगेगा 39 रुपये में, राइट। तो यहाँ पर सभी कंडीशन को मैंने ध्यान एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छा से, फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो के लाइक करें, स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने की कोई भी सलाह सुझाव नहीं है। वीडियो एजुकेशन पर्पज बनाएगा, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।